नमस्ते जिनेंद्रा, आप सभी का स्वागत है द इनिशिएटर में। फ्रेंड्स देखिए, आज मेरा थोड़ा सा नुकसान हो गया है। ये मेरा सेंसेवीरिया का प्लांट था और काफ़ी अच्छा ये बुशी प्लांट हो रहा था, और ये मेरा गमला टूट गया। और देखिए इसमें कितने सारे इसके पप्स निकल रहे थे, ये देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो चार तो इसी में हैं और ये दो मेरे इसी में हैं। तो चलिए अब हम इनको लगाते हैं। और फ्रेंड्स जब ये अलग अलग हो गए हैं तो मैं सोच रही हूँ अभी इन्हें अलग अलग पॉट में लगा लूं। तो उसके लिए देखिए मैंने ये दो टर्टल लिए हैं और एक इस तरह का ये छोटा पॉट लिया है। तो चलिए अब हम इसको लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इनमें होल थे, मैंने इस तरह का ये कॉटन क्लॉथ रख लिए हैं। और देखिए मैंने जो इसकी सॉइल तैयार की है, इसमें 30% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 30% वर्मी कंपोस्ट है। और 2 चम्मच नीम खली और फंजीसाइड मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। तो चलिए हम अपने इसमें कंटेनर्स में डाल लेते हैं। काफ़ी हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स ये, अगर एक बार आपके गार्डन में ऐड हो जाए तो जल्दी से नहीं जाता है। केवल इसका हमारे गार्डन से जाने का एक रीज़न है, वो है ओवर वाटरिंग, वरना तो फ्रेंड्स ये अपने आप ही पप्स देता रहता है और एक ही प्लांट से हमारे काफ़ी प्लांट्स बन भी जाते हैं। तो आप भी बस वाटरिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप इसमें 15 दिन भी वाटरिंग नहीं करते हैं तब भी ये टॉलरेट कर लेगा, लेकिन ज़्यादा पानी ये सहन नहीं कर पाता। ये देखिए हमने अपनी सॉइल्स को डाल लिया है। और अब देखिए ये वाला जो है फ्रेंड्स, इसको तो मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, ये जो इसमें दो हैं इनको मैं अलग नहीं कर रही हूँ। और देखिए ये जैसे ये बिल्कुल अलग हो रहा है, तो इसको हम अलग लगा देंगे और इनको हम इस तरह से दो में डिवाइड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स तो ये देखिए, और ये देखिए ये मैं इसमें लगा दूंगी। और अभी भी फ्रेंड्स हमारे पास ये बचा है एक, इसको हम इसमें लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे ये 4 पॉट तैयार हो गए हैं। टूटा तो मेरा एक गमला था, लेकिन अभी डिवाइड होके मेरे 4 प्लांट बन गए हैं। और फ्रेंड जैसे आज ही मेरा थोड़ा सा नुकसान हुआ, तो आप भी घबराइएगा नहीं, आप इस तरह से अपने एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं, बी केयरफुल। तो फ्रेंड्स आपको इसमें बस केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए, आप फिंगर से टच भी कर सकते हैं, तभी इसमें पानी दें। फ्रेंड्स आपको आज का टॉपिक कैसा लगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।